जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, गुड मॉर्निंग। तो आज आप मतलब सिसु और सोलांग वैली और हिडिम्बा टेबल देवी टेम्पल के वीडियो देखे पर मिली संगवारी हो। तो चलो फिर वीडियो ला कंटिन्यू करते हैं और बीच में थोड़ा सा गैप कर दे हूँ। उसका कारण तो आप मतलब बताए छो कि मोबाइल में दिक्कत आ गई शेखर वजह से करके, और फिर वर्ड सावित्री भी आ गई तो खर ब्लॉग मिली साफ मतलब। तो फिर आगे तो एक दो वीडियो और बचे हैं यहाँ के ट्रिप के, और बाद फिर आगे से कंटिन्यू हो फिर जो अपन नॉर्मल डेली लाइफ है ओला दिखाबो है ना। तो संगवारी हो, अभी ये जो रील डला थे उम्र में अपन बहुत ज़्यादा प्यारों सपोर्ट देते हो, एक लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है इसने प्यारों सपोर्ट बनाए रखी करो संगवारी हो, मोटिवेशन मिलते हैं हमला। तो चलो फिर आज के वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है वहाँ के वादियाँ घाटी सब कुछ, आप मन पहले भी देख चुके हो। और हिडिम्बा देवी टेम्पल भी बहुत अच्छा है, 500 साल पुराना मंदिर है ना। तो आगे देखो आप इंजॉय करो। हॉट एयर बलून, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखो भाई साहब, हमारे चाचा बैठो, आग जला रहे ना उसमें, नहीं हाँ नीचे उतरा थी, आग जला है और बैठे हैं चार छह लोग, नहीं वो आग जलते रही थी, जलते रही, अब फूट गया था फिर चलते, बाबू देखा था सपन ब्लॉग में चालू कर दी थी। बंधे हुए हैं यार, ये कितना ऊपर लेके जाएगा, ये तो पूरा बंधा हुआ है, देखो बंधा है पूरा, ये वाला मेरे को करने लगे, कौन कौन किया है मनाली आके कमेंट करो, मैंने करा है, मैंने हाँ आपने नहीं किया। और यहाँ पे देखो बहुत सारा एक्टिविटी हो, यही है क्या सिसु, सिसु 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 आओ देखो कितना सारा एक्टिविटी है, फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हो और नज़ारा तो पूछो ही मत। चलो फिर रोपे भी चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पैदल जाना है यहाँ से ओखर बाद फिर रोपवे से ऊपर से नीचे आना है। सिसु भी बहुत अच्छी जगह है। अभी अपन याक में बैठे पर जाखन आना, मैं यहां पर हूं, चलो आते हैं। अच्छे से खेल ले बेटा, यहाँ पे खेल ले बेटा, हो गया पहाड़ी वाला कपड़ा पहन के भी खिंचा सकते हैं, लेकिन हम कर ले आए हम फोटो खिंचाए, बहुत सारा एक्टिविटी है यहाँ पे। सोलांग वैली है, सोलांग वैली, मैं तो सिसु है सोच रही थी, सिसु पैराग्लाइडिंग भी है वहाँ पर होगा ना, जहाँ रुके थे अच्छा खासा क्राउड है, पैराग्लाइडिंग हो रहा है यार, दादा घोड़ा मरते अच्छा मना, अरे यार बैठो ना यार, हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, बैठ जाना यार, ऐसे बोलता है बैठ जाना यार, कितना समझ गया मैं तो नहीं समझी, घोड़े में बैठने वाली है रिया, ये बैठ जाएगी
अच्छा सिंगल सिंगल बैठी मैं की कौन हे रिया क्या कैसे लग रहे मेरा लगा ले घोड़े का नाम क्या है भैया बता दो पूछो ना अंकल को पूछो घोड़े का क्या नाम है अंकल जी घोड़े का क्या नाम है करके पूछो बाबू इधर देख इधर मजा आ रहा बाबू बाबू इधर देख वीडियो बनाएंगे मॉर्निंग संगवारी हो आज हमारे मन के मनाली से जाए के दिन आ गए है ना 3 दिन रहे यहाँ लेकिन फुल मस्ती करें इतना मजा आई थी अब यहाँ से जाते हैं तो एक बार आप भी बोलो बाय बाय मनाली आप भी एक बार जरूर आना तुम्हें बार बहुत मजा आई थी सजेशन दे था लेकिन ना जब मतलब सूट का सेम मना हूँ भाई काबर की बहुत हाइट तक जा लगते 10,000 फीट ऊपर गए ना मन बर्फ थे काबर अभी मई के महीना में है तो बहुत ऊपर में बर्फ चढ़े ना देखा कि मैं 10,000 फीट ऊपर गए हूँ और बहुत ज़्यादा हाँ घाटी वाले रास्ते हैं मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई से फिर थोड़ा सा नीचे आकर फिर इंजॉय करेंगे है ना तो देखिए वो अपन तबियत वगैरह ठीक रही अगर जो मतलब श्वास की प्रॉब्लम नहीं है तो मना सकते हैं घाटी वाले एरिया है एकदम मोर श्वास की प्रॉब्लम नहीं है इधर बहुत ना खाइए ऊपर से देखिए नीचे तो आप चलो ठीक है लेकिन कोई बात नहीं मज़ा बहुत देखते ठीक है बाय संभाल अभी हम हो सकती ना तो जाते हैं रंबा देवी टेम्पल जाओ और एकदम मॉर्निंग में हो गई है रेडी रेडी हो गई हैं अब यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाओ बाई कार बुक करें हम दिल्ली से चलो अच्छा एक दिन दिल्ली घूमो आप अभी घुमा कर गुड मॉर्निंग बाबू बाय बाय मनाली गुड टू गुड मॉर्निंग बाय बाय मनाली सुबह सुबह हम क्या नजारा है हाँ बर्फ में पूरा ढकाई थे ठंड में दिसंबर में और हम अच्छा खासा क्राउड भी थे यहाँ लेकिन हमने एकदम मॉर्निंग यहाँ देखा सीखा कबूतर बाबू देखो कबूतर 3 कबूतर है कौन कौन आया है सब लोग नहा लिए इतना मॉर्निंग में कौन नहाता है भाई साहब मनाली जैसी जगह यहाँ के लोग तो ठंड के दिनों में नहाते ही होंगे अभी गर्मी के सीजन में इतना ठंड है ठंड में क्या हाल रहता है 3-4 डिग्री 5 डिग्री यहाँ फ्रिज की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर जल रहे हैं लोग गर्मी में बहुत गर्मी रंबा देवी की मंदिर नमस्कार मैं निशा मणि साहू आज मुख्य रूप से हमारी रंबा देवी की कृपा हुई और हमारी मुलाकात जिससे हो गई है और उनकी टीम की हुई है 4 दिनों से पूरे परिवार है विभिन्न तरह से बिलोंग करते हैं हम लोग रायपुर से हैं और सौभाग्य माता की कृपा कि हम सभी यहाँ मुलाकात की है और ये भी यूट्यूब बनाते हैं और हम भी यूट्यूब से
ये भी अभी यूट्यूबर हैं। जय जोहार आप सब लोग को, और बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, और हम उनसे कोई इनको पहचानते नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमको देखा और पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा। तब सुबह सुबह हम लोग आए हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके। आप लोग इनको सपोर्ट करें यूट्यूब चैनल को और खूब आप आगे ले जाए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये बहुत ही प्रचलित है हमारे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जहाँ पे भी छत्तीसगढ़ की पहचान की बात हो, अस्मिता की बात हो, तो हम सभी जो है एक रूप से एक परिवर्तन से जुड़ जाते हैं, और यही मिलन प्रवृत्ति जो है हम छत्तीसगढ़िया को आगे ले जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, माँ की कृपा है। तो आप भी इनके चैनल को विशेष इनके चैनल देखते थे और तो इन्होंने इनको तुरंत पहचान लिया, तो इतनी अच्छी बात है। यूट्यूब में जब आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से टकराएंगे, दुनिया में कहीं भी निकल जाओ पहचान के लोग मिल जाते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो अब सब लौट में आप अंत कर रहे हैं, हम शुरुआत लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग घर से वहाँ को संगवारी हो मंदिर में मुलाकात हो गई सब्सक्राइबर वहीं मन से, और हमारे छत्तीसगढ़ के हरे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मतलब मिल के, तो आप मतलब भी मिलवा था मैं देखो मिलो आप मन भी अच्छा लगी आप मन से मिल के। हाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना दूर आए के बाद भी अगर कोई छत्तीसगढ़ के आदमी मिल जाते ना तो कितना खुशी होती। वो भी मॉर्निंग में, इतना मॉर्निंग में आप। मैं निशामणि साहू हूँ और मेरा चैनल का नाम निशामणि साहू है। मुख्य रूप से हेल्थ और वेलनेस की बात यहाँ पे होती है और लोगों तक पहुँचने का एक आसान जरिया है, तो हम इनसे मुलाकात की बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो आप इनके चैनल को प्रमोट करिए, आगे ले जाइए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा तो आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। पाँच सौ साल पुराना मंदिर विडम्बा देवी टेम्पल, पंडित जी से पूछी दिल्ली से परेशान क्या बोले क्या बोले हमारा ड्राइवर साहब जी से परेशान हो, और ये ड्राइवर भाई साहब इतना परेशान किए गाड़ी को, ऐसे ऐसे चला चला पूरा हालत खराब कर दी। हंसी मजाक की बात है सगवारी हो, है ना, बहुत अच्छा है भैया। मजा इस आपको मजा आया हम लोग को ना, पहली बार मनाली आइए भी हम लोग भी। मनाली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर विडम्बा देवी,